स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। आज हम लाए हैं जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जीव विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है जो कि लगातार इसकी अपडेट आती रहेगी। अब वीडियो इसके आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो विशेषकर स्पेशली यूपी बोर्ड का सिलेबस आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे भी वीडियो आती रहेंगी, तो इसके लिए अपडेट की जानकारी चाहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी, एक्चुअली में बायोलॉजी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, हालांकि बायोलॉजी के बारे में काफ़ी सारे डिफिनेशन दी गई हैं, लेकिन हम सिंपल सा यहाँ पे लैंग्वेज में बात करेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपका इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे दिया गया कि सभी प्रकार के सजीव लिविंग बींग्स का अध्ययन कराने वाली शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ पे सजीवों का अध्ययन, लिविंग बींग्स जिनको बोला जाता है, लिविंग बींग्स यहाँ पे वर्ड दिया गया है। तो लिविंग बींग्स, ये जो ऊपर वर्ड दिया गया लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का मतलब होता है सजीव, ठीक है। जिन भी वस्तुओं में सजीव के लक्षण या भी जीवित हैं जो, उनको हम सजीव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के सजीव, यानी कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के जो जीव हैं वो गतिमान हो और उसमें जीवन हो, ठीक है। तो जिस जीव में जीवन है यानी कि लाइफ है, तो उसको हम जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि सभी प्रकार के सजीवों की अध्ययन कराने वाली शाखों को यहाँ पर हम बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे कि बायोलॉजी के पार्ट कितने हैं। तो बायोलॉजी के पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के यहाँ पे विशेषकर जो मोस्टली पार्ट जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला जो और दूसरा, ठीक है, वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। और ये जो ऊपर जो बायोलॉजी लिखा है इसको जीव विज्ञान बोला जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान। नीचे वाला जो है वो जंतु विज्ञान है। तो जीव विज्ञान को यहाँ पे तीन पार्टों में डिवाइड किया गया, स्पेशली ये जो है तीसरा जो पार्ट है ये ज़्यादातर यहाँ पे टीचर बताते नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान भी एक जीव विज्ञान का पार्ट होता है, भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला पार्ट हो जाएगा इसका वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बॉटनी बोला जाता है। और दूसरा जो है यहाँ पर पार्ट है वो सेकेंड पार्ट आपका होगा जंतु विज्ञान, जो कि जूलॉजी बोला जाता है जिसको। और तीसरा जो पार्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान में आपको सिंपली बता दें कि वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे यहाँ पे शो भी किया गया है इसके डिफिनीशन के बारे में। आगे देखते हैं यहाँ पे कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, बॉटनी को यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, जो लैटिन शब्द है ग्रीक भाषा का वो उसको बोस्किन शब्द से ये आया है, जिसका मतलब है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ठीक है। जो पशु होते हैं वो घास चरते हैं, तो उनसे संबंध इसका रखा गया बॉटनी का, उसी के नाम से यहाँ पे रखा गया है, ठीक है इसका नाम। तो बॉटनी का जो साइंटिफिक नेम है यहाँ से आया है, जो फिर
जो जिस बर्ड से ये बॉटनी शब्द आया है तो बोस्किन से आया, ठीक है। ये भी है यहाँ पे एक मोस्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द किससे आया, तो बोस्किन से आया यहाँ पे, जिसका मतलब ग्रेजिंग यानी कि चरने वाले जंतु, ठीक है। अब इसके डिफिनीसन देखते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो सिंपल सा इसमें कुछ भी याद करने के योग्य नहीं है, मतलब याद करने का कोई सिंपल सा तरीका, सिंपल सा, ठीक है जी। मैं जितने भी हम अपने वातावरण में आसपास जो भी पेड़ पौधे देखते हैं, तो इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है यानी कि भाग है जो इसका बायोलॉजी का, वो है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जो है, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोला जाता है, अब ये जूलॉजी को शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे देखो दो तरीके से होगा, जॉइंट प्लस लोगोस। जॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल्स, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जंतुओं की स्टडी मतलब अध्ययन, ठीक है। तो जंतुओं के अध्ययन कराने वाली शाखा को हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार डिफिनीशन दी गई है यहाँ पे कि इस शाखा में हम सभी जानवरों और मनुष्यों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के जानवर, छोटे से लेकर बड़े तक, चींटी से लेकर हाथी तक यहाँ पे, और बैल सभी, और साथ साथ मनुष्य का भी अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे की शाखा में यहाँ पे देखेंगे कि तीसरी जो शाखा है यहाँ पे सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस वर्ड को सबसे पहले समझेंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, ठीक है। इतना सूक्ष्म जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा जो चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, कई प्रकार के ऐसे शैवाल हैं और कई प्रकार के प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, तो इनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि सूक्ष्म, दो वर्ड यहाँ पे हैं, सूक्ष्म और जीव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म और जीव विज्ञान। तो यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब हो जाए माइक्रो, यानी कि सबसे छोटे, जिनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाएंगे, और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में दोनों आ जाएंगे, जंतु विज्ञान आ जाएगा और वनस्पति विज्ञान भी आ जाएगा, यानी कि बॉटनी भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि प्लांट भी आएंगे इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, और एनिमल्स भी आ जाएंगे, तो दोनों टाइप के एनिमल्स और पौधे भी आ जाएंगे इसमें, इस शाखा में, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं इसी प्रकार कि इस शाखा में सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे शैवाल, वायरस, बैक्टीरिया एवं अन्य प्रोटोजोन्स, ये आपका जो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से, तो यहाँ पे शैवाल हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया एवं अन्य प्रोटोजोन्स। शैवाल में आपका कई प्रकार की एक शैवाल होती हैं, एनेविना, नॉस्टॉक, क्लोरेला, तो ये आगे आपका चैप्टर आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वायरस तो आप सभी जानते ही हैं, वायरस को हिंदी में विषाणु बोला जाता है और बैक्टीरिया को जीवाणु बोला जाता है, ठीक है। एवं अन्य प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में अमीबा आता है, अमीबा आता है आपका, युगलीना आता है, युगलीना, ठीक है, अमीबा और युगलीना आता है, और एक और आता है जो कि एक और आता है यहाँ पे पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे
जो अन्य प्रोटोजोन्स दिया गया है यहाँ पे जो, तो उसको हम पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सारे प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। आगे जो दिया गया तो यहाँ पे हमने जाना कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीवों का, सजीवों का, जिनमें जीवन पाया जाता है, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी, बायोलॉजी जो शब्द आया, ये आया कहाँ से, किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ देखेंगे कि जीव विज्ञान जो शब्द है, ये वाला पॉइंट देखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस। ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग या टर्म किसने दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लैमार्क और ट्रेवी रेनस जो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक, इन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, अभी आप में बात आते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जीव विज्ञान के पिता किन्हें बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि फादर इनको क्यों माना जाता है, किसी भी चीज़ का फादर, किसी भी शाखा का फादर क्यों माना जाता है। तो इसमें क्या था कि इसमें जो भी वैज्ञानिक सबसे पहले जिस चीज़ का स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो उसको हम फादर मान लेते हैं। ठीक है, साइंस में ऐसे ही रूल फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो अरिस्टोटले यानी कि अरस्तु, इंग्लिश में अरिस्टोटले लिखा जाता है लेकिन हिंदी में उसको अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो अरिस्टोटले थे, तो इन्होंने लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया था सबसे पहले, तो इसीलिए इनको बायोलॉजी का फादर बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जिसके बायोलॉजी के जो तीन पार्ट हमने बताए थे, तो इसमें उसका जो उनके जो फादर हैं वो यहाँ पे आए कि फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी यहाँ पे देखेंगे वो भी अरस्तु हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ हम ध्यान से देखेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही अरस्तु हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी दिया गया, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं आपके थियोफ्रस्टस। क्या हैं, थियोफ्रस्टस। ठीक है, थियोफ्रस्टस। इसके बाद देखेंगे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो हमने लास्ट वाली शाखा लिखाई थी थर्ड नंबर की, तो उसके फादर कौन है, तो उसके फादर आपके ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पे आपके काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर तरीके के कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जान लिया कि बायोलॉजी क्या है, उनकी शाखाएँ क्या है, उसकी फादर कौन है। ठीक है, और साथ ही साथ जान लिया कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो अब हम ये जानें कि बायोलॉजी में हम कैसे कह सकते हैं कि हमने पढ़ाई की जीव विज्ञान यानी सजीवों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन सजीव होते क्या हैं बायोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सजीव या जीवधारियों के लक्षण, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है जीवधारियों के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जीवधारी। ठीक है, तो इनके जो लक्षण हैं वो हम कवर करेंगे शॉर्टली में। तो किसी भी जीवधारी में यानी कि जिसमें जीवन पाया जाएगा, जिस भी चीज़ में जीवन पाया जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो, कोई जानवर हो, या फिर कोई भी प्लांट हो, ठीक है, कोई भी एनिमल हो, तो
तो सभी में जिनमें जीवन पाया जाएगा उनमें इस टाइप के लक्षण अवश्य ही पाए जाएंगे जो हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका लक्षण है वो है जीवन चक्र। ठीक है, जीवन चक्र जिसको इंग्लिश में लाइफ साइकिल बोला जाता है, सभी का एक जीवन चक्र होता है, चाहे प्लांट हो। ठीक है, प्लांट का भी एक निश्चित समय होता है कि कोई भी पौधा होगा या कोई भी पेड़, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है तो काफ़ी सालों तक वो जीवित रहता है, और पीपल का पेड़ भी लगभग 2000 सालों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो और जैसे कि इसी प्रकार एनिमल्स में आ जाते हैं कि कछुए की लाइफ स्पान जो होती है, जीवन चक्र होता है, वो लगभग कितना होता है, लगभग 250 से 300 वर्ष होता है। ठीक है, मनुष्य का भी अभी 60 से 70 वर्ष हो गया है। तो सभी जीवधारियों में एक अलग अपना जीवन होता है, एक लाइफ स्पान होती है। ठीक है, जीवन की अवधि, इसी अवधि के अनुसार ये जो चक्र चलता है, सबसे पहले क्या वो मनुष्य का जन्म होता है। ठीक है, बर्थ होता है उसका, जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है और फिर वो ह्यूमन हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे चाइल्ड होता है, फिर ह्यूमन हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ओल्ड मैन हो जाता है, और फिर समय के साथ मनुष्य बूढ़ा भी हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जीवन चक्र का मतलब यही है, किसी भी प्लांट में भी यही फॉलो करेगा कि सबसे पहले वो ग्रो करेगा, फिर वृद्धि करेगा, फिर उसमें फल बनेंगे, फ्रूट बनेंगे अन्य, और फिर उनसे नए पौधे बनेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो पौधा हो जाएगा, काफ़ी उसकी एज हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगा पौधा। ठीक है, और एट लास्ट उसकी मृत्यु हो जाएगी एक निश्चित अवधि के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका पहला हेडिंग हो गया जीवन चक्र। नेक्स्ट देखेंगे कि दूसरा जो लक्षण पाया जाएगा वो रेस्पायरेशन। ये काफ़ी मोस्ट जो करेक्टर है पाया जाता है कि हम सभी जानते हैं, किसी का अगर ह्यूमन का जो होता है, मनुष्य का, कुछ देर अगर उसकी नाक और मुंह को दबा दिया जाए कुछ समय के लिए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार श्वसन का होना, सांस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी भी प्लांट के लिए भी यही फॉलो करता है, और छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो हम नग्न आँखों से नहीं जिनको देख सकते हैं, उनमें भी काफ़ी श्वसन होता है, और बड़े जंतुओं में भी श्वसन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार जो प्लांट में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो हमारे लिए श्वसन में काम आती है। ठीक है, तो सभी जीवधारियों में श्वसन का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं यहाँ पे कि तीसरा जो है हेडिंग, सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका संरचना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कोशिका शेल, कोशिका को शेल बोला जाता है इंग्लिश में। तो कोशिका जो जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक का मतलब है इससे किसी भी चीज़ का निर्माण हुआ है, किसी भी जीव का, जितने भी जीवित जीव हैं सभी में सेल्स पाई जाती हैं। और क्रियात्मक इकाई यानी कि इनसे ही फंक्शन, जो शरीर में क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो शरीर में क्रियाएं होती हैं वो सब इसी के द्वारा, कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो यहाँ पे सेल का देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि सेल में कई सारी जो एक हमारा जो मनुष्य का शरीर का ले लेते हैं बात, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जिन जीवधारियों में एक सेल पाई जाएगी उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और या फिर हिंदी में इसको एक कोशिकी बोला जाता है। ठीक है, एक कोशिकी, और जब एक से अधिक सेल्स पाई जाती हैं तो उसको बहुकोशिकीय बोला जाता है, बहुकोशिकीय। ठीक है, इंग्लिश में इसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं।
मल्टी सेलुलर, ठीक है, और एक कोष की को यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने देख लिया कि जिन जीवधारियों में एक कोष का पाई जाएगी, ठीक है, उसको यूनिसेलुलर या फिर एक कोष की बोला जाएगा, और जिन जीवधारियों में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी उनको हम मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीवधारी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कोशिका हम सरल रूप से कैसे समझ सकते हैं कोशिका क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हम जब घर बनाया जाता है तो एक एक करके ईंटें लगाई जाती हैं, ठीक है, एक एक करके ईंटें लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम उसी प्रकार ये समझ लेंगे कि ये जो ईंटें हैं, एक एक ईंट हमारी सेल है, ठीक है, हमारी बॉडी निर्माण के लिए। तो कई सारी जो सेल्स होती हैं, जब जिस प्रकार कई सारे ईंटें लगाई जाती हैं तो एक कमरा तैयार होता है, जो कई सारे कमरे हो जाते हैं तो एक घर तैयार होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है, इसमें हमारी बॉडी में एक सेल पहले बनती है, फिर उसका विभाजन होता है, ठीक है। विभाजन का मतलब एक से दो सेल बनती हैं, फिर दो से चार बनती हैं, ठीक है। इसी प्रकार इनका निर्माण होता रहता है, विभाजन होता रहता है, और कई सारी सेल्स बन जाती हैं। उसी प्रकार जैसे कि घर बन जाता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है, या फिर किसी भी जीवधारी, या चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि ये एक संरचना तैयार करती हैं कोशिकाएं। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोशिका जीवधारियों की कैसी संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, संरचनात्मक। तो संरचना में जो भाग लेती है तो संरचनात्मक हो जाएगी, और ठीक है, और इसी से हमारा श्वसन होता है, रेस्पायरेशन होता है, और बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। तो इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए एग्जांपल के तौर पर हमने एक यहाँ पर सेल बनाई हुई है, ठीक है। जो एक सेल है, ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल, के प्लांट सेल है। जो इसमें क्या है, सबसे पहले सेल होती है, उसके अंदर द्रव्य भरा रहता है, उसके अंदर एक और ये गोला सा होता है, तो इसको जिसको हम बोल लेते हैं केंद्रक बोला जाता है इसके, ठीक है। और इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है, ठीक है, बूंद बूंद टाइप का ये पदार्थ भरा रहता है, तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको जीव द्रव्य बोला जाता है, जीव द्रव्य, ठीक है। और इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है केंद्रक। केंद्रक यहाँ पे आपका काफ़ी मुख्य भाग है, ठीक है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जिसके द्वारा हमारे जो जीवधारियों की वंशागति का कार्य होता है, उस सेल में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक के द्वारा संपन्न की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना ही समझते हैं, आगे भी नए चैप्टर में हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तीन जो लक्षण हो गए जीवधारियों के, और चौथा जो लक्षण होता है वो यहाँ पे जीव द्रव्य। यहाँ पे हमने जो बताया जीव द्रव्य, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म सेल में भरा रहता है, उसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोला जाता है भाई, ठीक है। तो सभी जीवधारियों की कोशिका में जीव द्रव्य अवश्य होता है। जिस भी कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होता है तो वो कोशिका जो कैसी हो जाती है, मृत हो जाती है। जैसे कि जब हम किसी भी लकड़ी को काट देते हैं तो उसकी बेंच या कुछ भी कुर्सी बना लेते हैं, तो वो जो उसमें भी सेल्स होती हैं, जैसे कि पौधे में सेल्स होती हैं, तो वो बनी रहती हैं सेल्स ऑलरेडी, लेकिन उनमें जो जीव द्रव्य होता है, तरल पदार्थ होता है एक चिपचिपा, ठीक है, वो सूख जाता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो इसी कारण ये निर्जीव हो जाता है, और जो पौधा होता है वो सजीव होता है, और उसी पौधे द्वारा बनाई गई जो चेयर है वो कैसी हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में होता है क्या है, प्रोटोप्लाज्म में
सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब जब क्रियाएं किसी भी बॉडी में बंद हो जाएंगी, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर श्वसन और भोजन ग्रहण करना, जो डाइजेशन होता है, पाचन वगैरह, ये सब बंद हो जाएगा, तो मनुष्य का शरीर हो जो कैसा हो जाएगा, एट लास्ट में अंत में डेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीव द्रव के बाद में यहाँ पे समझा। ठीक है, अगला जो है, अगला यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है इसको हिंदी में पोषण बोला जाता है। न्यूट्रिशन अति आवश्यक है सजीवों में। न्यूट्रिशन यानी कि वो बोला जाता है कि जीवित रहने के लिए हमको कुछ ना कुछ खाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन आवश्यक है, सभी जीव जो होते हैं अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ग्रहण करते हैं। ठीक है, कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो सब अपने अपने हिसाब से भोजन को ग्रहण करते हैं। जानवरों में ज़्यादातर जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो ठोस अवस्था में किया जाता है। मनुष्य भी ज़्यादातर ठोस अवस्था में भोजन ग्रहण करते हैं। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या होता है, तरल अवस्था में भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तरल अवस्था में भोजन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, अब यहाँ पे समझ लेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन के बाद में हमारे जो आंतों द्वारा उसका अवशोषण किया जाता है, जो उसमें न्यूट्रिटिव यानी कि पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण किया जाता है, और फिर उनसे हमें एनर्जी ली जाती है। हमारी बॉडी एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और एनर्जी अब्जॉर्ब करती है तो उसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसी भी काम में करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते कि यही पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं, इसको हिंदी में वृद्धि बोला जाता है, वृद्धि। तो सभी जीवों में क्या होता है, ग्रोथ अवश्य होगी। जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, और जो सजीव होती हैं उसमें अगर पोषण यानी कि खाना खाएगा वो, तो अवश्य है कि उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, उसके भार में वृद्धि होगी। पौधे भी इसी प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और भोजन को ग्रहण करते ही और उसे अब्जॉर्प्शन करते हैं उसका, और मेटाबॉलिक क्रियाओं द्वारा ग्रोथ करते हैं, वृद्धि प्राप्त करते हैं, अपने बॉडी में वजन की वृद्धि होती है उसमें। ठीक है, तो मनुष्य में भी ऐसी प्रकार होता है और एनिमल्स में भी यही होता है। ठीक है, धीरे धीरे जो जीव होते हैं वो वृद्धि करते रहते हैं समय अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट जो मूवमेंट है, नेक्स्ट हेडिंग है गति, मूवमेंट। ठीक है, तो सभी जो जीव होते हैं ज़्यादातर गति करते हैं। मनुष्य जानवरों में, जब सभी जानवरों मनुष्यों में गति होती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। और पौधों में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गति करती हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं ज़्यादातर एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि क्रीपर्स जो होते हैं, बेल होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करती रहती हैं। ठीक है, तो सभी सजीवों में गमन का होना अति आवश्यक है, यानी कि गति होगा। ठीक है, गति भी होगी जरूर। नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे कि जनन। जनन किसे कहते हैं, जनन का जो सिंपल सा डिफिनेशन है उसको हम बताएंगे कि अपने जैसे जीवों या अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसको हम जनन कहते हैं या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या होता है कि जो मनुष्य होता है, ह्यूमन से ह्यूमन ही
जन्म लेता है, ठीक है, ह्यूमन से ह्यूमन ही जन्म लेगा। और पेड़ से जो पेड़ जन्म लेते हैं, से किसी का पौधा है, नीम का पेड़ है अगर, ठीक है, अगर नीम का पेड़ है तो फिर इससे नीम का ही पेड़ जन्म लेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का तो उसी के हिसाब से जन्म लेगा, चाहे वो किसी भी जीव में हो या जानवरों में या फिर किसी माइक्रोबायोलॉजी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें हो या फिर मनुष्य में हो, किसी में भी हो, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे या रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सभी जीवधारियों में जनन भी होना आवश्यक है, अगर जनन नहीं होगा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मान लो किसी मनुष्य का एक बार जन्म होता है, उसके बाद उसकी पीढ़ियाँ नहीं आती हैं, तो एक समय वो आएगा कि जब वो व्यक्ति बूढ़ा होकर मर जाएगा, उसके बाद उसका कोई पीढ़ी नहीं चलती है, ठीक है। तो जनन का होना इसीलिए अति आवश्यक होता है। लास्ट जो है आपका उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। तो उत्सर्जन की हम डिफिनेशन बताते हैं कि अपने शरीर से जो निरर्थक पदार्थ होते हैं, यानी बेकार निरर्थक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालना एक्सक्रेशन कहलाता है, ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि हम अपनी बॉडी से यूरिन का एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है, और मल का त्याग करते हैं, और पसीना जो होता है, पसीना होता है, ठीक है, पसीने का भी हम एक्सक्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से निकलना इनके लिए अति आवश्यक है, नहीं तो बॉडी में काफ़ी सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो प्रभावित होने लगती हैं, ठीक है, अति आवश्यक है। तो आपका सर्जन भी होगा यहाँ पे कि अपने बॉडी से जो निरर्थक पदार्थों के बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जान लिया कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। अब ये देखेंगे कि प्लांट और एनिमल कैसे पहचानेंगे कि ये पौधा है और या फिर दूसरा जो है वो जंतु है, ठीक है। देख के तो हम पहचान ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम अगर पूछा जाए क्योंकि प्लांट और एनिमल्स में अंतर क्या है, तो हम लोग अक्सर कर नहीं बता पाते, तो वही चीज़ इसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो है सिस्टम, पहली हेडिंग इसमें दिया गया ग्रोथ, वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि में क्या होता है, जो मनुष्य में या फिर किसी भी जीव में जो वृद्धि होती है संपूर्ण शरीर में होती है। सबसे पहले यहाँ पे बात ध्यान देंगे कि संपूर्ण शरीर में होती है, कंप्लीट बॉडी में होती है, ठीक है, होल बॉडी में होती है। लेकिन प्लांट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो होगा, जो जड़ें होती हैं उनकी एट लास्ट में, अंत में वृद्धि होती है, और जहाँ से कलियाँ निकलती हैं, ठीक है, नई पत्तियाँ बनती हैं, वहाँ पे वृद्धि होती है, बीच में कहीं भी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो बॉडी में समान वृद्धि होती है, इसीलिए सेल्स का कोई अति महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, सभी प्रकार की एक जैसी काम करती हैं। लेकिन प्लांट में क्या होता है, तीन टाइप की सेल्स होती हैं जो इसके ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। पहली है एपिकल मेरिस्टीम्स, ठीक है, एपिकल मेरिस्टीम्स, और दूसरा है इंटरनल कैलरी मेरिस्टीम्स। ये दो प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये लंबाई में वृद्धि करती हैं, किसमें, लेंथ में वृद्धि करती हैं, लंबाई में वृद्धि करती हैं, ठीक है। और लास्ट में जो दिया, तीसरी जो है आपकी लेटरल मेरिस्टीम्स होती है, जो ये चौड़ाई में बढ़ाती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्लांट है यहाँ पे, तो आगे जब ये बढ़ेगा ऊपर की ओर या नीचे जड़ों में बढ़ेगा, तो यहाँ पे काम करेंगे एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम। और जब इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, चौड़ाई बढ़ेगी इस तरीके से, तब क्या काम करेगी, लेटरल मेरिस्टीम्स, ठीक है,
किसी भी पौधे की जब चौड़ाई बढ़ती है तो उसको लेटरल मेरिस्टेम के विभाजन से बढ़ती है, इनकी कोशिकाओं के विभाजन से, ठीक है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, सभी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं एक साथ वृद्धि करती हैं, तो इसमें ये एक अंतर हो गया प्लांट और एनिमल में, ठीक है। प्लांट में क्या होता है कि तीन टाइप की सेल्स जो होती हैं वृद्धि को प्रभावित करती हैं, लेकिन एनिमल में क्या होता है, एनिमल में सभी प्रकार की सेल एक साथ वृद्धि करती हैं और संपूर्ण बॉडी में वृद्धि एक साथ होती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो करेक्टर यहाँ पे आता है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे हमने भी दिखाया था कि सेल वॉल, अभी बताते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल, ये जो साइड में दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो दीवार बन रही है यहाँ पे, ये हमने बनाई हुई है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया था कि ये एक प्लांट सेल है, तो इसमें सेल वॉल ये जो पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल जो बाहर से कवरिंग एरिया होती है, एक दीवार सी होती है कोशिका के बाहर, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, प्लांट बॉडी में पाई जाती है लेकिन एनिमल बॉडी में ये नहीं पाई जाती, एनिमल बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तब पे ये एक डिफरेंस हो गया कि कोशिका जो भित्ति होती है जो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो करेक्टर है वो आता है लक्षण हरित लवक क्लोरोफिल, इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोला जाता है। तो हरित लवक को देखें यहाँ पे कि हरित लवक होता गया है, सिंपल से एग्जांपल देके बताएंगे कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ज़्यादातर अक्सर कर ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि हरे कलर के ही दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, हरित लवक, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल रहा है कि पेड़ पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो पेड़ पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, इसका आंसर है हरित लवक के कारण। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हरित लवक के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे कि यहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन अगर बन के आता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं किस प्रक्रिया के कारण अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश होता है प्लस जमीन से वाटर लिया जाता है, ठीक है, जल लिया जाता है जिसका फार्मूला H2O होता है, और प्लस क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है या फिर हरित लवक जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल, और ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, और वातावरण, ये सभी कंपोनेंट मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो होता है इसके विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि पेड़ पौधे के मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए हेल्प करती है, ठीक है, उसकी वृद्धि करती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। लास्ट वाला जो ऑप्शन है खनिजों का अवशोषण, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है जो प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार हरित लवक भी बताया था कि ये हरित लवक जो होगा वो प्लांट में होगा, और ये फोटोसिंथेसिस भी प्लांट में होगा, लेकिन एनिमल्स में ये दोनों क्रियाएं नहीं होंगी, ठीक है।
एनिमल्स में दोनों क्रियाएं नहीं होंगी। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, अगर मनुष्य में पाया गया होता तो सारे जो मनुष्य होते वो ग्रीन कलर के दिखाई देते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, और हरित लवक नहीं पाया जाता तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उन्हीं में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण उन्हीं में होता है जो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे, खनिजों का अवशोषण। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जिसको इंग्लिश में वो कहते हैं कि खनिजों का अवशोषण जो करते हैं तरल अवस्था में करते हैं पेड़ पौधे, मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। मनुष्य जो ठोस अवस्था में अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उसी में खनिज लवण का अवशोषण होता रहता है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ज़मीन से, पृथ्वी से, और ज़मीन में जो जल होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो खनिज लवण उनमें पोषक तत्व तो पाए जाते हैं उनको अवशोषित करते रहते हैं, ठीक है। जो जल होता है वो रसारोहण एक क्रिया होती है, रसारोहण क्रिया द्वारा जल नीचे से ऊपर की ओर जाता रहता है, ठीक है, और उसमें खनिज लवण भी जो मिले होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें जो मिली होती हैं वो उसमें अवशोषित होती रहती हैं इस क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है प्लांट में पाई जाती है लेकिन एनिमल्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जिनको वीडियो ये पूरा अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।